सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। भाजपा की सरकार जहां 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 1000 दिनों को उपलब्धि भरा बता रही है, उसके लिए कई पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है जिनमें सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने भाजपा के 1000 दिन को भ्रष्टाचार से भरा हुआ बताया है। आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर आयोजित कर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला के साथ प्रदेश कमेटी के महासचिव ने भाजपा को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। उन्होंने बताया कि पूरे 1000 दिनों में अगर राज्य में कुछ बढ़ा है तो वो भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबों के लिए यहाँ जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर निशाना साधते हुए बताया कि जिस तरह से राज्य में बीते दिनों लगातार सरकारी अस्पतालों में मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और इसके साथ ही साथ कई तरह की असुविधाएं देखने को मिल रही है, वह साफ साफ दर्शाती हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसे जनता से किसी तरह की कोई हितैषी नहीं है, वो जनता की हिमायती नहीं बल्कि जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ डाल रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। स्थिति ये है कि सरकार अपना 1000 दिन के अवसर पे पूरे राज्य में अपनी उपलब्धि गिनवाने का कुचक्र प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, भोले वाले जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी बिजली मैं मुहैया करवाऊंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कराऊंगा। लेकिन स्पष्ट है कि यही मूलभूत सुविधा जो जनता को देने की बात उनके द्वारा की गई थी वो सारा सब फेल कर गया उनका, वो सारा फिसड्डी साबित हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चे मर रहे हैं, जिस पर अस्पतालों में उनको ज़िंदगी मिलनी चाहिए वहाँ मौत मिल रही है।